being a feminist is no problem, but giving respect to the other gender is also equally important. दूसरों के लिए अपनी फेमिनिस्ट पावर को दिखाकर मिसयूज कर रही हैं उन पावर को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं कि ब्यूटी महिलाओं का गहना होता है, लेकिन केवल ब्यूटी के साथ कोई भी महिला कंप्लीट नहीं होती है। किसी के पास फिजिकल ब्यूटी होता है तो किसी के पास इनर ब्यूटी नहीं होता है, किसी के पास इनर ब्यूटी है तो नॉलेज नहीं है, और जिसके पास ये तीनों है उसके पास पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी महिला जुड़ी हैं जिनके पास ये सारी चीज हैं। मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं आज, ज्योति अरोड़ा मैम। तो मैडम ने सबसे पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैडम ने ज्योतिषी की, और उसके बाद मैडम ने मिसेज इंडिया के पेजेंट के लिए तैयारी की, लड़ा और रनर अप भी रही। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। जी आपका धन्यवाद। विमेंस डे आ रहा है तो उस पर मेरा ये सवाल है आपसे कि हम विमेंस डे महिला दिवस को एक दिन में हमने सीमित कर लिया है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हर रोज ही विमेंस डे महिला दिवस मनाना चाहिए? तो उस पर आपका क्या जवाब है? विमेंस डे तो मुझे लगता है रोज ही होता है। माय हस्बैंड की वजह से कि विमेंस डे ही है एवरीडे तो मतलब मुझे लगता है कि रोज विमेंस डे है, और मेरे को लगता है कि हम महिलाओं पर है कि हम उसे आज तक सीमित करें या रोज मनाए, तो मैं तो कहूंगी रोज विमेंस डे है। बिल्कुल, तो हैप्पी विमेंस डे। सो भारत की लड़कियों के लिए आपके क्या संदेश है, उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? भारत की लड़कियों के लिए, मैं खुद भारत की लड़की हूँ और अब मैं वुमेन हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो महिला है, भारत की जो बेटियां हैं, वो सबसे खूबसूरत है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो सहन शक्ति है, वो मुझे लगता है विश्व में ऐसी सहन शक्ति किसी में भी नहीं है। हम लोग जोवियल भी हैं, हम लोग एडजस्टिंग भी हैं, पारिवारिक भी हैं, और आप मतलब आप कंप्लीट हैं। मुझे लगता है कि भारत की जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप लोग हैं ए टर्म दुर्गा है, और जैसे दुर्गा एक हाथ पे कुछ इंप्लीमेंट होता है, किसी हाथ में कुछ और होता है, तो एक समय में बहुत ही ज्यादा काम करने की सक्षम है। तो आप तो सेलिब्रेट कीजिए अपने आप को, और देवी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। आप खुद ही देवी है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि पुरुषों के लिए मैसेज होना चाहिए कि आप अपने परिवार में जो आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, आपकी पत्नी, माता, सबको बहुत ज्यादा सम्मान दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल मैम। अच्छा एक और सवाल था कि लोग बोलते हैं कि बेटी को मत सिखाओ, बेटे को सिखाओ कि लड़कियों से अच्छे से बिहेव करे, तो इस पे आपका क्या कहना है? लाइक लोग लड़कियों को बोलते हैं अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से चलो, ये करो वो करो, तो ऐसा बोला जाता है कि बेटियों को मत सिखाओ, बेटों को सिखाओ कि बिहेव अच्छे से करे, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए इस पे मेरा मत अलग हो सकता है, मतलब सबकी पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटों को डेफिनेटली ये सिखाने की जरूरत है कि महिलाओं का सम्मान करें, वहीं बेटियों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि वो भी अपनी जिसे बोलते हैं एलिगेंटली ड्रेस्ड अप हो। एलिगेंस सबसे ब्यूटीफुल होती है, मैं एलिगेंस को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ। तो अगर वुमेन एलिगेंटली ड्रेस्ड अप है तो शी विल बी एडमायर्ड, और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप पहने उसे बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी कीजिए, बस वो वल्गर नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैम आजकल महिलाओं को फ्रीडम चाहिए होता है, लड़कियों को फ्रीडम चाहिए होता है, तो उस पे आपका क्या कहना, आपके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए सबके लिए डेफिनेशन अलग हो सकती है। मेरे लिए फ्रीडम की डेफिनेशन है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जब मर्जी जहां जाकर यू नो पार्टी कर सकती हूँ, जहां मर्जी हम लोग हॉलीडे पे जा सकते हैं, और मुझे कहीं जाना है तो मुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटीज निभा रही हूँ। यानी कि हम लोग ये तो कामना करते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, तो हमें दूसरों को भी स्पेस देने की जरूरत है। तो मतलब फ्रीडम हैज टू बी फॉर मैन ऑल्सो, आई थिंक इक्वेलिटी है तो इक्वेलिटी हैज टू बी फॉर एवरीबडी। तो मैं सिर्फ वुमेन की बात नहीं करूंगी, वुमेन को भी थोड़ा सा कंसिडरेट होने की जरूरत है कई स्टेजेस पर, तो इट हैज टू बी फॉर बोथ, क्योंकि वुमेन भी मैन के बिना अधूरी है और मैन भी वुमेन के बिना अधूरी है। बिल्कुल मैम एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। फेमिनिज्म आजकल बहुत चल रहा है, फेमिनिज्म हर कोई कहता है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं फेमिनिज्म की बात करती हूँ, तो आप क्या फेमिनिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं? फेमिनिज्म बेसिकली एक वुमेनहुड को फर्दर एनहेंस करके अपनी फेमिनिन पावर को
पता बहुत डोमिनेंस पे लाकर अपनी पावर के लिए फाइट करने की एक स्पिरिट को मैं बोलूंगी फेमिनिज्म कहा जाता है। और आजकल इस फेमिनिज्म का फेमिनिज्म इज ए ट्रेट और क्या बोलूंगी पॉजिटिव ट्रेट की तरह अगर हम लें तो बीइंग ए फेमिनिस्ट इज नो प्रॉब्लम बट गिविंग रिस्पेक्ट टू द अदर जेंडर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। फेमिनिज्म को पकड़ के लोग लड़कियां फेक फेमिनिज्म को भी बढ़ावा दे रही हैं, लाइक गलत जगह पे बवाल करना, लड़कों को मारना, ये वो आजकल सोशल मीडिया पे हम बहुत देख रहे हैं। वही मैंने आपको बोला कि दूसरे जेंडर को भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। जो तो उन फेक फेमिनिज्म फेक फेमिनिस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगी कि आपको अगर सम्मान दिया जाता है हमारे, क्योंकि भारत में नारी को सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आपको सम्मान दिया गया है आपको एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, तो अगर एक या दो महिलाएं उसका मिसयूज करती हैं तो उसका जो खामियाजा है ना भुगतना पड़ता है उन महिलाओं को जो एक्चुअली में जिनके लिए वो नियम बने गए हैं या रूल्स बनाए गए हैं जो एक्चुअली में सफर करती हैं। तो आपकी बिकॉज आप तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है और आप दूसरों के लिए अपनी फेमिनिस्ट पावर को दिखाकर मिसयूज कर रही हैं उन पावर को, तो जिन लोगों के लिए रूल्स बनाए गए जो एक्चुअली ग्रसित है, जो बहुत ज्यादा हैरास्ड है सोसाइटी में, अंडर प्रिविलेज है, उनके लिए रूल्स बनाए गए, उन लोगों तक भी लोगों को शक की निगाहों में देखा जाता है। तो आपको इस तरह की गतिविधियां मैं तो एनकरेज नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने कहा जेंडर इक्वालिटी की जब बात है तो रिस्पेक्ट फॉर बोथ द जेंडर्स भी इंपॉर्टेंट है। सो मैम क्योंकि आप ज्योतिष हैं तो ये एक सवाल मेरे अंदर चल रहा था कि 2023 महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, तो बताया जी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक फेंगशुई मास्टर भी हूँ, तो अगर वास्तु भी देखें तो इन सबको मिला जुला कर सारी साइंस का जो निचोड़ निकलता है और जो मेरे हिसाब से फोरकास्ट है 2023 का, उसके हिसाब से जो साउथ वेस्ट दिशा होती है वो दिशा होती है फीमेल ऑफ द फैमिली की, जो हेड ऑफ द फैमिली होती है और रिलेशनशिप की भी होती है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है फीमेल को। तो इस साल विक्ट्री स्टार लोकेटेड है साउथ वेस्ट में, जो कि अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग स्टार फेंगशुई है, जो कि मैं फेंगशुई मास्टर भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में वुमेन बहुत पावरफुल होंगी और ये साल अपनी बात कहने का, बात रखने का और बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलने का है ये साल। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, तो वो इस साल ये बात बिल्कुल लागू होगी और उनको उसका ड्यू रिगार्ड भी मिलेगा। तो देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति के साथ अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसके साथ विमेन है वो एकदम हाईलाइट में आ जाएगा, अगर कोई बॉलीवुड स्टार है जो या कोई फिल्म स्टार है जिसको एक विमेन ने सपोर्ट किया तो वो भी बहुत अच्छा करेगा। मुझे लगता है फीमेल्स के लिए साल बहुत अच्छा होने वाला। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन फीमेल, गुड लक। तो ये थी हमारे साथ ज्योतिष ज्योति अरोड़ा मैम, और मैडम के साथ हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।